नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा RRB NTPC। आज मैं आपको बताने वाला हूं RRB NTPC GK GS का मॉडल पेपर नंबर। हम बात करेंगे 82 की। आज हम आपको बताएंगे 82 नंबर का मॉडल पेपर। इसके पहले मैं आपको 81 मॉडल पेपर बता चुका हूं। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर भी मैंने लिंक दे दिया है। जैसे आप आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट प्ले लिस्ट खुल जाएगी, आप वहाँ से भी हमारा सारा वीडियो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब हमारी मैथ्स की जो कंसेप्ट क्लासेस हैं NTPC की, वो भी चालू हो गई है। जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ में दिक्कत है, कम नंबर्स की समस्या है, तो वो 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारी कंसेप्ट क्लास जरूर लीजिए। मैथ्स की यहाँ पर आई के बटन पर भी मैंने जोड़ दिया और नीचे प्ले लिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से भी हमारे मैथ्स की क्लास डेली लीजिए। मैं अभी कंसेप्ट क्लास ला रहा हूँ। 20 कंसेप्ट क्लास होगी जो टॉपिक वाइज होगी, और वही टॉपिक होंगे जिसको टॉपिक से रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ही मैं मॉडल पेपर चालू करूंगा मैथ्स के। तो चलिए आज का हमारा RRB NTPC GKS का मॉडल पेपर नंबर 82 देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हर वीडियो में पुराने वीडियो से 2 से 3 प्रश्न रिपीट भी करता हूँ, मैं आपको नए स्टूडेंट को बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो के आखिरी में आपको ये जरूर बताना कि 40 में से इस मॉडल पेपर में आपको कितने मार्क्स आए, साथ साथ अपने RRB जोन का भी नाम लिखना, जिससे कि ये पता जाएगा कि किस जोन में कैसा कॉम्पिटिशन चल रहा है। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका रीजन पता रहे। तो चलिए आज का हमारा 82 नंबर का RRB NTPC GS का मॉडल पेपर नंबर शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है। आपको बताना है कि झारखंड में कहाँ पर आयरन और स्टील संयंत्र है। तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोकारो में। कहाँ पर है? बोकारो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए। देखिए परावर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। कितनी होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। आपको बताना है कि हम जल में जो तैरते हैं वो न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। किस नियम के कारण होता है? तृतीय नियम के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संकीर्ण ऊर्जा। क्या बदलना होता है? संकीर्ण ऊर्जा को बदलना। अगला प्रश्न हमारा, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फफूंद। किसका अध्ययन किया जाता है? फफूंद का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। हीलियम उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दार्जिलिंग में ही सबसे ज़्यादा चाय और सर्वोत्तम किस्म की चाय पैदा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आपको बताना कि इनमें से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। किसने किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। अगला प्रश्न है हमारा, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। देखिए कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SDR का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण फॉर्म बताना है आपको SDR का। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत, किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आप उस अंग्रेज का नाम बताना जिसने सबसे पहले भगवद गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया था। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंसन। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है। आपको बताना है इनमें से असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहू। असम में कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? बिहू त्यौहार। अगला प्रश्न हमारा, दारा शिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। आपको यहाँ पर बताना है कि दारा शिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिर ए अकबर। किससे किया था? सिर ए अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है। गोवा की स्वीकृत राजभाषा इनमें से कौन सी है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। कौन सी है? कोंकणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको बताना है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सासाराम, कहाँ पर स्थित है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी भोपाल में, कहाँ पर स्थित है भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था, किस धर्म को किया था। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, कौन से धर्म को किया था बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न हमारा अतिरक्त स्राव है, आपको बताना अतिरक्त स्राव क्या होता है। देखिए अतिरक्त स्राव एक अनुवांशिक विकार होता है, एक अनुवांशिक बीमारी होती है अतिरक्त स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए चेचक, चेचक रोग विषाणु के कारण फैलता है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होती है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से खेलों में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी वाटर पोलो व कबड्डी, वाटर पोलो व कबड्डी दो ऐसे गेम होते हैं जिनमें प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बहुत बार रिपीट भी किया गया है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल, कौन सा है बेसबॉल होता है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य, आपको बताना है कि नाभिक रिएक्टर के निर्माण में इनमें से कौन सा तत्व एक अनिवार्य तत्व। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जर्केनियम, जर्कोनियम जो होता है नाभिक रिएक्टर के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही बार रिपीट किया गया है 3 से 4 बार। जो फिलामेंट बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का वो किससे बना होता है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, किससे बना होता है टंगस्टन से। अगला प्रश्न है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल डिवाइस को माना जाता है, किस तरह के डिवाइस माना जाता है इनको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर डिवाइसेस, ये क्या होते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर मॉनिटर माउस कीबोर्ड इस तरह के जितने भी डिवाइस होते हैं उन्हें क्या मानते हैं हार्डवेयर डिवाइस। अगला प्रश्न हमारा एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है, मतलब एशियाई देशों एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत को, किसको प्राप्त है भारत को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं सुगोली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी किनके भी संपन्न हुई थी, किनके भी संपन्न हुई थी सुगोली की संधि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, किसके बीच हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु को, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आईटी इंडस्ट्री अवेलेबल है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी आत्मारंग पांडुरंग, कौन थे आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था, किस सन में किया था। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी 1986 ईस्वी में, कब किया था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ईसा मसीह का जन्म स्थल है, आपको बताना है ईसा मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए बैथलहम, कहाँ पे हुआ था बैथलहम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय मुख्य कार्यालय स्थापित किया था, आपको बताना है कि जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए 1882 में अड्यार में 1882 ईस्वी में उन्होंने अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी देखिए जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण से, इन तीनों ही विधियों से जो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण होता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गोल्जिकॉय का प्रमुख कार्य है, आपको बताना है गोल्जिकॉय का प्रमुख कार्य क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स्रावी, गोल्जिकॉय का प्रमुख कार्य क्या होता है स्रावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है डेविड बेकहम, इनका संबंध है दोस्तों फुटबॉल से, ये फुटबॉल के एक महान खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, 1857 के विद्रोह को इनमें से किस उर्दू कवि ने देखा था। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी मिर्जा गालिब, किसने देखा था मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, देखिए वायु के तापमान में परिवर्तन होता है तो उसमें से ध्वनि का इनमें से कौन सा गुण प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति, क्या प्रभावित होता है आवृत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है, आपको बताना है इन देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर है फिनलैंड, किसको कहा जाता है फिनलैंड को। दोस्तों आज मैंने आपको RRB NTPC GKGS का मॉडल पेपर नंबर 82 बताया है,
वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको 40 में से इस मॉडल पेपर में कितने मार्क्स आए, साथ में अपने RRB जोन का नाम भी लिख दीजिए जिससे कि पता चल जाए कि कॉम्पिटिशन कैसा चल रहा है। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को तो दबाई ही लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।